नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल हूँ। आज का हमारा विषय है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या बार बार एबॉर्शन। जब भी कोई फीमेल हमारे पास बार बार एबॉर्शन की कंप्लेन के साथ आती है, तो इसको हम तीन या तीन से ज़्यादा एबॉर्शन की श्रेणी में ही ट्रीट करते हैं। एक या दो एबॉर्शंस को हम यूजली ट्रीट नहीं करते, क्योंकि ऐसा थ्योरी में माना जाता है कि एक या दो एबॉर्शन नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होते हैं, कि प्रकृति अपने आप एबनॉर्मल फीटस या ऐसे फीटसेस जिनमें कुछ भ्रूण में विकृति है उनको अपने आप एबॉर्ट कर देती है। यह एक स्पोरेडिक इवेंट होता है, यानी इसके दोबारा होने की संभावना बहुत कम होती है। इवैल्यूएशन का जो फर्स्ट हमारा स्टेप है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारा हिस्ट्री या महिला से जानकारी लेना, जिसके आधार पर हम यह डिसाइड करते हैं कि आगे चल के क्या जांचें या क्या इलाज की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री जो अगर हम शुरू करते हैं, तो वह अगेन माँ की उम्र से शुरू होती है। अगर किसी भी स्त्री की उम्र 35 साल या उससे ऊपर है, तो उसमें क्रोमोसोमल यानी अनुवांशिक गुणवत्ता खराब होने की संभावना ज़्यादा होने की वजह से एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री होता है कि हम उनसे पूछते हैं कि आपको एबॉर्शन किस समय पर हो रहा है। जैसे कि अगर वो यह बताते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और उसके 10 से 15 दिन बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यह प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से हो सकता है। तो हम ऐसे केसेस में हम उनको प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री जो वो बताते हैं कई बार फीमेल, कि हमने सोनोग्राफी कराई थी, लेकिन सोनोग्राफी के बाद बच्चे की धड़कन एक बार आई, दोबारा सोनोग्राफी कराई तो उसमें चली गई। यह एक केस मिस्ड एबॉर्शन का बोलते हैं, जिसमें कि धड़कन आके चली गई। इसमें हमें इवैल्यूएशन कराना होता है थ्रोम्बो प्रोफाइल, जो एक एप्ला पैनल के नाम से आता है। अगर यह टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो प्रेग्नेंट फीमेल को नेक्स्ट प्रेगनेंसी में पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एक इंजेक्शन लगने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे एबॉर्शन का इंसिडेंस बहुत ना के बराबर हो जाता है। तीसरी जो उनकी इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री होती है, वह ये होती है कि जो एबॉर्शन हुआ था वो चौथे या पाँचवें महीने में हुआ था, और बिल्कुल से हल्का सा भारीपन लगा और एबॉर्शन हो गया। यह एक हिस्ट्री होती है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस यानी बच्चेदानी की मुँह में खराबी की। यह भी बहुत करेक्टेबल स्थिति है। जब भी ऐसा हमें पता चल जाता है, तो हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, जो भी कमिंग प्रेगनेंसी में है, उन्हें उसमें हमें चौथे या पाँचवें महीने में बच्चेदानी के मुंह में टांके, जिसको सर्वाइकल सर्कलाज बोलते हैं, जिससे कि एबॉर्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएं। अब इसके आगे अगर हम हिस्ट्री में बढ़ते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री होती है माँ की मेडिकल कंडीशन, यानी माँ में कोई पहले से बीमारी तो नहीं है, कोई ऑपरेशन संबंधित या कोई मेडिकल बीमारी, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपोथायरेटिज्म, या फिर कोई किडनी की समस्या जो है, दिल की बीमारी, या फिर उसका पहले कोई बार बार ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हमें पहले से करेक्ट करके रखना होता है। यही सारी मेडिकल कंडीशंस के साथ है कि ड्रग ऐसी दी जाए जो प्रेगनेंसी में सूटेबल हो और सारी चीज़ें ऑप्टिमल कंडीशन में अंडर कंट्रोल हो, तब वो प्रेगनेंसी ठहरे, जिससे कि एबॉर्शन के रिस्क बहुत कम हो। आगे की जो बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन एनोमलीज। यूट्राइन एनोमलीज़ की हिस्ट्री यूजली कई बार फीमेल्स नहीं दे पाती, ये हमें सोनोग्राफी के माध्यम से पता चलती है, या कई बार वो दे भी पाती हैं। यूट्राइन एनोमलीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट है सेप्टम यूट्रस, यानी बच्चेदानी की परत में झिल्ली होना। यह अपने आप में एक ऐसी कंडीशन है जिसको हिस्ट्रोस्कोपी यानी दूरबीन के माध्यम से करेक्ट किया जा सकता है, और यह डे केयर बहुत महंगा प्रोसीजर नहीं है, और इसके बाद एबॉर्शन के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। दूसरी बच्चेदानी में विकृति जो होती है, वो यह है बच्चेदानी में कुछ गठान होना, जिसको हम फाइब्रॉइड्स बोलते हैं, या तो बहुत बड़े साइज़ में होना, 6 से 7 सेंटीमीटर के आसपास, या फिर बच्चेदानी की परत के पास होना, जिसकी वजह से भ्रूण सही से चिपक नहीं पा रहा हो। ऐसी स्थिति में हमें प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले वो गठान माइमेक्टमी के माध्यम, माइमेक्टमी एक प्रोसीजर बोला जाता है, यह भी बहुत महंगा प्रोसीजर नहीं है, लैप्रोस्कोपिक दूरबीन द्वारा वो गठान निकाल के प्रेग्नेंट उनको प्रेगनेंसी के लिए 3 महीने बाद ट्राई करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद मैं आखिरी हिस्ट्री में जाऊंगी, हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ पहले के समय में बहुत कॉमन थी, जो थी VDRL यानी ट्रिपोनीमा पैलिडियम इन्फेक्शन।
अगर VDRL टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो हमें उनको 3 इंजेक्शन देने होते हैं 21-21 दिन के अंतर से। इसके बाद वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है और प्रेग्नेंट फीमेल वापस से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकती है। इसमें मैं बहुत स्पेसिफिकली एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स के पेपर्स देखे हैं जिनमें वो टॉर्च करके एक टेस्ट कराते हैं। यह टेस्ट अब पूरी तरह से ऑब्सोलीट यानी ख़त्म हो चुका है। लास्ट जो हमें हिस्ट्री लेनी होती है वो महिला के ब्लड ग्रुप की लेनी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ब्लड ग्रुप निगेटिव है और उसकी वजह से उसमें एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं और बार बार उसकी वजह से एबॉर्शन हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये RH आइसोइम्यूनाइज्ड कंडीशन है जिसमें कि महिला को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट चाहिए। हो सकता है इस प्रेगनेंसी में बहुत स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़े, फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़े। तो इस पूरी हिस्ट्री के बेसिस पे जो हमारे मिनिमम इन्वेस्टिगेशन होते हैं किसी भी प्रेगनेंसी प्लानिंग के पहले, वो हमारे हैं थायराइड का टेस्ट, शुगर का टेस्ट, एक हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी HSG या फिर दूरबीन की जांच, एप्ला प्रोफाइल और कैरियोटाइप, और इनके हिसाब से हम टेस्ट प्लान करते हैं। हम 50% ऑफ द पेशेंट्स में इडियोपैथिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें कोई भी कारण नहीं पता चल पाता। इनमें भी हम सपोर्टिव केयर देकर यानी इंजेक्शन डेली वाले और प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शन एंड रेगुलर मॉनिटरिंग करके हम अच्छी प्रेगनेंसी रेट अचीव कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पूरी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस को समराइज़ करूँ तो इवन आफ्टर 3 या 4 प्रेगनेंसी लॉस भी अगर उनकी रेगुलर केयर हो रही है तो टर्म बेबी यानी एक अच्छी हेल्दी बेबी पाने की संभावना ऑलमोस्ट 85-90% ऑफ फीमेल में होती है। थैंक यू।